हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गैलेक्सी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशांक गुप्ता आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, आपको पता है सीटेट का एग्जाम आने वाला है दिसंबर में, लेकिन अभी डेट नहीं आई है। अभी यही है कि सीटेट का एग्जाम दिसंबर में होगा, तो अगर देखा जाए तो 10 दिसंबर से पहले मुझे तो नहीं लगता है कि एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और अगर 1 दिसंबर से भी एग्जाम शुरू होता है तो ऐसा तो नहीं है कि आपका एग्जाम 1 दिसंबर को ही पड़ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो 20 दिन 22 दिन एग्जाम चलता है। आपने देखा भी होगा पिछली बार जो एग्जाम हुआ था, करीब 20 22 दिन चला था। तो आपके पास अभी मोटा मोटी देखा जाए तो आपके पास कितना टाइम है अभी, अभी आपके पास पूरा पूरा 30 दिन है। देखो, आप देखोगे 30 दिन को तो कुछ बच्चों को लगेगा यार बहुत कम टाइम बचा है, और कुछ को लगेगा कि नहीं अभी समय पर्याप्त है। तो अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं कहूंगा कि आपके पास अभी इनफ टाइम है सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए, और सिर्फ क्लियर करने के लिए नहीं, आप अभी आराम से 120 प्लस या 110 प्लस मार्क्स ला सकते हो। कैसे आएंगे वो हम देखते हैं आगे वीडियो में, स्ट्रेटजी देखेंगे 120 प्लस मार्क्स लाने की। सीटेट क्या है ये आप सबको पता है, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो, कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करते हो आप तो करते कैसे हो, आपकी जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उस एग्जाम का सिलेबस निकालते हो, आप उस एग्जाम का सिलेबस निकालते हो, फिर आप देखते हो कि किन बुक्स में वो मैटर आपको मिलेगा, फिर आप उनसे नोट्स बनाते हो, फिर उन नोट्स का रिवीजन करते हो, रिवीजन करने के बाद आप अपनी नॉलेज चेक करते हो प्रीवियस ईयर पेपर लगा के, उसके बाद आप कुछ मॉक टेस्ट लगाते हो और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसी चीज को हमने दूसरे तरह से दिखाया हुआ है, लेकिन देखिए आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी चीजें प्रोसेस फॉलो करोगे। देखो यहां पे सिलेबस लिखा हुआ है, कट गया ये, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप ये सारी चीजें फॉलो करो। एक महीना समय है लेकिन इतना भी समय नहीं है। तो क्या कर सकते हो, इनमें से क्या चीजें स्किप कर सकते हो और क्या चीजें इनमें से इंपॉर्टेंट जो करनी है वो देखते हैं। देखिए, हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज, सिर्फ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण, है ना, सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो देखेंगे। देखिए, मैं यहां पे आपको सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, कि अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिए ना, और आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाना साथ साथ में, ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए तो आपके आराम से 110 या 120 प्लस मार्क्स आएंगे, और सिलेक्शन 90 मार्क्स से कोई रोक ही नहीं रहा। देखो, मैथ्स में अगर आप देखें, आपको पता है सीटेट एग्जाम में 30 हर सब्जेक्ट 30 मार्क्स का आता है, और 15 नंबर में उसका कंटेंट सब्जेक्ट का आता है एकेडमिक्स, और 15 नंबर में पैडागॉजी आती है शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो देखते हैं, दोनों को मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैथ में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको नंबर सिस्टम से ही 6 से 8 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका रेशियो आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। देखो, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री कर लेना, इनसे आपको 4 से 6 मार्क्स का मिलेगा। नंबर सिस्टम कर लोगे ना तो ये रेशियो परसेंटेज में बहुत टफ क्वेश्चन, सारे में ही कोई इतने बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे कि आपसे SSC लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, आपसे बेसिक मैथ्स। देखो, अगर आपको सिंपल जोड़ घटाना गुणा और भाग आता है ना, और थोड़ा सा कॉमन सेंस है, तो आप ये 15 के 15 सवाल कर लोगे, 15 नहीं तो इनमें से आप 10 सवाल तो आराम से ही कर सकते हो। उसके बाद आप देखो पैडागॉजी में क्या आएगा, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर क्या, प्रकृति क्या है मैथमेटिक्स की, है ना, रटवाना है बच्चे को या बच्चे को समझाना है। जैसे सवाल आता है कि अगर आप एक क्लास में बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हो मैथ, और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा स्टूडेंट को, तो क्या बच्चा गधा है, नहीं बच्चा गधा नहीं है, आपको अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा समझाने के लिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मैथ समझाने के लिए क्या क्या चीजों का यूज होता है, क्या क्या सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, अबेकस है ना, गिनती सीखने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। औपचारिक और अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, जब आप बच्चे को पढ़ाते हो तो आपको यह देखना है ना बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, तो उसका मूल्यांकन करोगे तभी तो पता चलेगा कि आपका सिखाया हुआ उसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। देखो, डायग्नोस क्या होता है, जब आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो डायग्नोस करवाने। डायग्नोस का मतलब क्या होता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है।
रेमेडी, फिर डॉक्टर आपको बताता है कि समस्या ये है, इस समस्या का समाधान क्या है, इसकी रेमेडी क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब देखिए ईवीएस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बच्चे हमेशा इस सब्जेक्ट में फंसते हैं, समझ में नहीं आता कि सर ईवीएस समझ में नहीं आती, कहां से पढ़ें, क्या करें। देखो वैसे तो ईवीएस अगर आपको पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, 4, 5, 6, अगर इसमें थर्ड और डाल लो तो 3, 4, 5, 6। लेकिन आपके पास नहीं है समय, अगर आप कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट 4, 5, 6 की ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। इसको कहीं से भी डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ भी मिल जाएगी, खरीद भी सकते हो। नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, सिर्फ ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं करना। इसमें क्या होगा, ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना एनसीईआरटी के, इसमें ये सारे आपके इसी में रिवीजन हो जाएगा आपका। तो प्रैक्टिस भी हो रही है, थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है। तो अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस उठाओ, कहीं से भी मिल जाएंगे, सीटेट ऑनलाइन वेबसाइट पर चले जाओ, वहां से मिल जाएंगे, ये कर लोगे। उसके बाद देखो पेडागोजी में क्या आता है, एक्टिविटीज। ईवीएस की क्लास चल रही है तो क्या आप बच्चों को क्लास में बैठा के रटवाएंगे, या आप बच्चों को मैदान में ले जाकर कुछ एक्टिविटी करवाएं, कुछ क्रियाएं करवाएंगे, है ना, इस तरह से सवाल आता है। तो क्या करवाओगे, रटवाना नहीं है, लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग, करके सिखाना है बच्चा। बच्चा जब जाएगा व्यवहारिक रूप से सीखेगा, गिरेगा, पेड़ देखेगा, है ना, धूल मिट्टी में भिड़ेगा, तो उसको पता चलेगा कि क्या होता है, एनवायरमेंट है ना ईवीएस। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, बच्चों से हम कुछ प्रोजेक्ट वर्क करवाएंगे, डिस्कशन, बच्चों से हम चर्चा करेंगे उनके सराउंडिंग्स के बारे में, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, ईवीएस का महत्व क्या है हमारे जीवन में, ईवीएस का महत्व क्या है, एकीकृत ईवीएस, एकीकृत इंटीग्रेटेड ईवीएस का मतलब क्या हुआ कि ईवीएस को आप अपने सारे सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट से कैसे रिलेट करते हो, अपनी दुनिया से कैसे रिलेट कर सकते हो, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षण, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो बहुत सारे, आपको लग रहा होगा कि मैंने सारे ही टॉपिक्स उठा के रख दिए, नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स थे, मैंने बिल्कुल प्रिसाइज चीजें आपके लिए लेकर आया हूं कि कम से कम समय में आपका सिलेक्शन हो जाए। इंग्लिश, देखो तीन लैंग्वेज मोस्टली जो है, वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज आती है सीटेट में, लेकिन मेनली तीन लैंग्वेज होती है, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। उन तीनों ही लैंग्वेज में सेम ही सिलेबस है, ठीक है ना। सिलेबस क्या है आपको पता ही होगा, देखो आरसी आती है, आरसी रीडिंग कंप्रिहेंशन आता है 15 नंबर का, ठीक है ना, और 15 नंबर की पेडागोजी आती है, और इसी रीडिंग कंप्रिहेंशन में आपकी 6 से 8 मार्क्स की ग्रामर आ जाती है, इन्हीं 15 मार्क्स में। तो आपको ग्रामर नहीं पढ़नी, मैं बार बार कह रहा हूं, देखो ग्रामर नहीं पढ़नी, ना हिंदी में पढ़नी, ना इंग्लिश में, ना संस्कृत में, ग्रामर पढ़ने का आपके पास समय नहीं है। ग्रामर तो बहुत है, इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, बहुत ग्रामर है, पढ़ नहीं पाओगे। और 6 नंबर के लिए ग्रामर पढ़ोगे क्या, 30 में से 6 नंबर का अगर ग्रामर आ रहा है तो पढ़ना चाहोगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। तो क्या करना है भाई, बेसिक ग्रामर तो आपको आती ही है, ठीक है ना, इतना आता है आपको, अभी पढ़ रहे हो, इतने दिनों से ग्रेजुएशन हो गया, आती है आपको। क्या करना है, प्रीवियस ईयर के रीडिंग कंप्रिहेंशन उठाने हैं और उनको सॉल्व करना है। आप उनको सॉल्व करोगे उसमें आपका ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा, और जो कंप्रिहेंशन से क्वेश्चंस छाटने के लिए आते हैं ना, उन्हीं में आंसर छुपा होता है, आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ आरसी पे फोकस करो, वो भी प्रीवियस ईयर के, मॉक टेस्ट वगैरह नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के आरसी आपको लगाने हैं। यहां पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों चारों पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ लो तीनों सब्जेक्ट के लिए हो गया। देखो इंग्लिश का है इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूं, हिंदी का ये है सेम ही चीज, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, और ये संस्कृत का, ये तीनों का सेम ही है, तो एक बार देख लो। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा अधिगम और अधिग्रहण, भाषा को सीखते हो और उसको अधिग्रहण करते हो, कैप्चर करते हो, एक्वायर करते हो, तो कैसे करते हो वो चीजें देखनी है। अब देखो लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल क्या होती है, क्वेश्चन आएगा लिख लो LSRW। कोई भाषा को सीखने के लिए जो कौशल चाहिए ना, वो कौन कौन से कौशल होती है, 4 कौशल होते हैं, और ये ऑर्डर होता है, एल से क्या होता है, लिसन, सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर क्या करता है, स्पीक, फिर बोलना शुरू करता है, फिर क्या करता है, रीड, फिर पढ़ता है, और फिर क्या करता है,
राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, या तो इनमें से ऑर्डर पूछ लेगा या आपसे यही पूछ लेगा कि इन तीनों में से कौन सा नहीं है, कौन सा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM, अभी मैथ में भी बताया ना, क्या क्या सामग्री का यूज करना है आपको लैंग्वेज सिखाने के लिए। लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स। देखो डाइवर्स क्लासरूम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लैंग्वेज तीनों लैंग्वेज में, या कोई भी आप दो लैंग्वेज चूज करोगे उनमें ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, क्या होता है डाइवर्स क्लासरूम। एक क्लास में आप क्लास ले रहे हो, उसमें हिंदी बोलने वाला बच्चा भी बैठा हुआ है, संस्कृत बोलने वाला भी बच्चा बैठा हुआ है, उर्दू बोलने वाला बच्चा बैठा हुआ है, गुजराती है ना, डिफरेंट डिफरेंट भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप किस लैंग्वेज में पढ़ाओगे, है ना। आप हिंदी में पढ़ा रहे हो तो दूसरे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको तरीका निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करोगे ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ना, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत, इंडिया के जैसा कोई भी नहीं है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में कि जगह जगह पे आपको लैंग्वेज में परिवर्तन मिलेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। अब देखिए, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, मैंने आपको इंग्लिश का बता दिया, हिंदी और संस्कृत का भी सेम ही है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं क्या करना है। आपको पता है आरसी आएगा, अपठित गद्यांश जिसको हिंदी में बोलते हो, तो क्या करना है, विगत वर्षों के, प्रीवियस ईयर के अपठित गद्यांश उठा लो। ग्रामर पढ़नी नहीं है, सिर्फ बेसिक ग्रामर आती है जो आपको आती है, और नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ये जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाओगे ना अपठित गद्यांश, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ यही करना है संस्कृत में भी और हिंदी में भी, और उसके बाद वही चीज है, देखो भाषा अधिगम अधिग्रहण। देखो अब आप ये मत सोचना कि सर मैंने इंग्लिश में तो इंग्लिश में पढ़ा था, अब हिंदी में पढ़ूंगा, संस्कृत में नहीं, इंग्लिश में पढ़ोगे इंग्लिश में, लेकिन उसको समझना है, इंग्लिश को हिंदी में भी समझ लो, है ना भाई, लैंग्वेज इज अ मीडियम, समझ तो आप रहे ही हो ना, वो क्वेश्चन आपसे चाहे हिंदी में पूछ ले चाहे इंग्लिश में पूछ ले, तो एक ही बार पढ़ना है। भाषाई कौशल TLM, देखो TLM ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी TLM का सवाल आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, संस्कृत में भी आएगा, मैथ में भी आएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी में भी आएगा, 5 नंबर तो सीधे सीधे हो गए, ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियां, जो डाइवर्स क्लासरूम मैंने अभी आपको बताया वो वाला टॉपिक है ये। अब देखो मैं आपको संस्कृत का बता नहीं रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, सेम ही है प्रीवियस ईयर से, अनसीन पैसेज जो अपडित गद्यांश है उनकी प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ व्याकरण भी हो जाएगी, और पैडागॉजी, लैंग्वेज पैडागॉजी जो है वो बस एक बार पढ़नी है, सारी लैंग्वेज के लिए काम करेगी। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी के इतने टॉपिक पढ़ने से पता है क्या होगा, पहली बात तो आपकी 30 नंबर की साइकोलॉजी कवर हो रही है, दूसरी बात जो 60 नंबर की पैडागॉजी आनी है ना, 60 नंबर की जो पैडागॉजी आनी है, देखो आपको पता है 30 नंबर की क्या आ जाएगी, CDP, और 15-15 नंबर की चारों सब्जेक्ट में पैडागॉजी आएगी ना, तो कितना हो गया 60। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सिर्फ ये टॉपिक अगर आपने कर लिए ना, आपके 90+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ये सारे टॉपिक क्या है, ये CDP में भी आएंगे और ये बाकी सब्जेक्ट की पैडागॉजी में भी आएंगे। अब देखिए ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जो देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, या विकास का सिद्धांत भी बोलते हो इसको, अवधारणा भी बोलते हो। देखो कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसका विकास होता है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, होता है। तो मैथ सीख रहे हो तो विकास की वहां भी जरूरत है, हिंदी सीख रहे हो विकास की वहां पे भी जरूरत है, तो हर जगह जरूरत है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, इन्होंने कुछ थ्योरीज दी हैं अपनी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वगैरह, नैतिक विकास का सिद्धांत, तो पियाजे वाइगोस्की तो आपके सारे सब्जेक्ट में ही आएगा, कोहलबर्ग मान लो कि सिर्फ CDP में आता है, ठीक है। NCF 2005, वैसे तो ये 100-110 पेज का पूरा NCF है, इतना नहीं पढ़ना है, इसके 4-5 जो मेन पॉइंट है बस वो आप पढ़ लेना। उसके बाद देखो CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। अभी बताया आपको, जब आप बच्चे को पढ़ाते हो, आपका एग्जाम क्यों होता है भाई, अगर एग्जाम ही नहीं होना चाहिए ना, क्लास चलती रहती आप पास हो जाते। एग्जाम इसलिए होता है ना कि
पूरे साल पढ़ा तो कुछ सीखा या आप ऐसे ही बैठे रहे? तो इवेल्युएशन ये सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से मान लो कि आप 4 से 5 नंबर का यहां से भी आएगा, ठीक है, 4 से 5 नंबर का आपका यहां से भी आ जाएगा, 3 से 4 नंबर का यहां से आना ही आना है। आरटी, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, सीधे सीधे चाइल्ड डेवलपमेंट में 5 नंबर का टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या होती है इंक्लूसिव एजुकेशन? सारे बच्चों को एक साथ लेके पढ़ाना, समावेशी शिक्षा, सबको एक साथ रखना है। मैं किसी बच्चे को ये ना लगे अलग थलग सा महसूस ना हो, जैसे कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है या कोई अलग रीजन से आया हुआ बच्चा है, ठीक है, या कोई जैसे स्टेटस, सोशल स्टेटस अगर अलग है किसी बच्चे का, कोई अमीर घर का है कोई गरीब घर का है, तो उनमें हमें अंतर नहीं करना है, है ना। यही होती है समावेशी शिक्षा। 5 नंबर का तो सिर्फ और सिर्फ सीडीपी में आएगा, और मान के चलो आप 3 से 4 नंबर का बाकी सारे सब्जेक्ट में आना ही है। उसके बाद जेंडर बेसिस पे आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती है ना, लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा अंतर किया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मोटिवेशन, देखो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो अगर, तो बच्चे के अंदर एक ललक पैदा करनी है ना पढ़ा, कि वो खुद से उसका मन कब होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे नंबर लाने, मुझे सीखना है। तो आपको उसको प्रेरणा देनी होगी, आपको उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, और बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद देखो लैंग्वेज एंड थॉट, ये लैंग्वेज वाले जो मैंने अभी आपको 3-4 टॉपिक बताए थे वही टॉपिक हैं ये, फिर से एक बार बस आप अगर इनको साइकोलॉजी में पढ़ लेते हो तो बार बार पैडागोजी वगैरह में पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाषा और विचार, भाषा सीखना और अधिग्रहण, लैंग्वेज स्किल्स 4 बताएं आपको, LSRW, TLM टीचिंग लर्निंग मटीरियल, और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 13 टॉपिक है ना, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको बहुत अच्छे से सिर्फ इन्हीं को पढ़ लो ना अगर आप, तो भी आपके नंबर बहुत आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो डोंट डू क्वांटिटी स्टडी, देखो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लास्ट मिनट टिप्स बता रहा हूं, 1 महीना बचा है ना, तो आपको क्या लगता है ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो सब पढ़ लो, नहीं, दिमाग को सिर्फ उतना भरना है जितना जरूरी है। तो क्वांटिटी स्टडी नहीं करनी है, क्या करनी है क्वालिटी स्टडी, जित 1 घंटा पढ़ो, लेकिन जो 1 घंटा पढ़ा है ना वो याद होना चाहिए। आप 4 घंटे पढ़ लो 8 घंटे पढ़ लो और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ रहा है नहीं कर पा रहे हो तो फायदा नहीं है। उसके बाद देखो क्या करना है, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग क्या करते हैं ना पढ़ते जाते नोट्स ही नहीं बना रहे, और आप किसी भी टॉपर से मिलोगे ना वो आपको सबसे पहले यही बताएगा कि जो आप पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, छोटा छोटा ऐसे पॉइंट में ना अपनी कॉपी में लिखते जाओ, क्यों, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो वही लिखा हुआ है आपको क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, है ना। नोट्स कैसे बनाते हो, बहुत से बच्चों का सवाल आता है सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। देखो ये एक स्क्रीनशॉट है, जैसे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, ये सब आपको पता है इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देखो कुछ ही लाइनों में नोट्स बनाया गया है, ऐसे ही आपको 2-2, 3-3 लाइन में बनाना है कि जब आप पढ़ो एग्जाम से 2 दिन पहले तो वो 2 लाइन पढ़ के ना आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाए कि अच्छा इसमें ये था। और देखो जैसे अभी टाइम वैसे नहीं बचा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी सीटेट एग्जाम क्लियर करने के लिए अगर आप सारे सब्जेक्ट की सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो ना, सिर्फ एनसीईआरटी 3-4-5-6 क्लास की, बस 4-5-6 या 3 की भी पढ़ लो और उन्हीं के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं अगर आप वो सॉल्व कर लो तो आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। देखिए अभी 1 महीने का टाइम है, अगर आपको हमारा पेड कोर्स लेना है तो हमारा पेड कोर्स वैसे अभी 1999 का मिल रहा था, लेकिन अब आपको ये 1499 का मिल रहा है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, है ना, नीचे इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे पेड कोर्स का लिंक भी दे रखा है, आप वहां से भी इस कोर्स को बाय कर सकते हो, या किसी भी कोर्स को लेकर आपका कोई डाउट है ना तो इस नंबर पर आप कॉल कर लो। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गैलेक्सी क्लासेस से पढ़ के अपना सिलेक्शन लिया है टेट में, सीटेट में, है ना, 500 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं, सुपर टेट में भी काफी सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। देखो सुपर टेट का एग्जाम भी हो सकता है कि अगले साल आ ही जाए, है ना, मार्च में, अप्रैल में, मई में सुन रहे हैं कि हो सकता है आ जाएगा, तो उसके लिए टेट या सीटेट क्लियर करना तो बहुत जरूरी चीज है ना।
थैंक यू। अब देखो मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, रिवीजन करना है कम समय में, तो आप प्लेलिस्ट का एक लिंक दे रखा है इसके नीचे, आप वहां से जाके साइकोलॉजी पढ़ सकते हो, 20-20 मिनट के वीडियोस मिलेंगे आपको वहां पे। और 20 नवंबर से आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस डिस्कशन लाइव, 20 नवंबर से 12 बजे से। और आपको पता है कि अगर आप सारे पेपर्स के, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के अगर आप प्रीवियस ईयर लगा लो क्वेश्चन, तो सीटेट में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो और जानकारी के लिए आप कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें हमें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो। थैंक यू।